13 अप्रैल 1919, जगह जलियांवाला बाग, अमृतसर, पंजाब। इस घटना को शायद ही कोई भारतीय होगा जो नहीं जानता होगा। यह घटना भारत के स्वतंत्रता संघर्ष की किताब का बहुत बड़ा अध्याय रही है। कई आम लोग इस घटना से प्रभावित हुए और स्वतंत्रता संग्राम में उतरने का फैसला किया। ब्रिटिश सरकार की माने तो इस हत्याकांड में 379 लोग मारे गए और 1200 से अधिक लोग घायल हुए थे, लेकिन तत्कालीन खबरों के अनुसार मृत्यु का आंकड़ा 1000 के आसपास तक था। ऐसा ही कुछ दर्दनाक और विभत्स हत्याकांड दक्षिणी राजस्थान में भी हुआ था, जो इतिहास के पन्नों में दूसरी घटनाओं के तले छुप गया। यह हत्याकांड जलियांवाला बाग में हुए हादसे से भी बड़ा था। हम बात कर रहे हैं मानगढ़ धाम हत्याकांड की। मानगढ़ धाम हत्याकांड जलियांवाला बाग हत्याकांड से 6 साल पहले हुआ था। तारीख थी 17 नवंबर 1913। मानगढ़ एक पहाड़ी का नाम है जहां यह घटना घटी थी। गोविंद गुरु एक सामाजिक कार्यकर्ता थे और आदिवासियों में अलग जगाने का काम करते थे। उन्होंने 1890 में एक आंदोलन शुरू किया जिसका उद्देश्य था आदिवासी भील कम्युनिटी को शाकाहार के प्रति जागरूक करना और इस आदिवासियों में फैले नशे की लत को दूर करना था। इस आंदोलन को नाम दिया गया भक्त आंदोलन। इस दौरान भक्त आंदोलन को मजबूती प्रदान करने के लिए गुजरात से संपसभा, जो एक धार्मिक संगठन था, उसने भी सहयोग देना शुरू कर दिया। संपसभा भीलों से कराई जा रही बेगारी के खिलाफ काम करता था। इस आंदोलन से अलग अलग गांव से 5 लाख आदिवासी भील जुड़ गए थे। 1903 में गोविंद गुरु ने मानगढ़ को अपना ठिकाना चुना और वहां से अपना सामाजिक कार्य जारी रखा। 1910 तक आते आते भीलों ने अंग्रेजों के सामने अपनी 33 मांगे रखी, जिनमें मुख्य रूप से अंग्रेजों और रजवाड़ों द्वारा करवाई जा रही बंधुआ मजदूरी और लगान से जुड़ी थी। अंग्रेजों के अलावा यहाँ के स्थानीय जमींदार सामंत भी इनका शोषण करने में पीछे नहीं थे। इसी के विरोध में गोविंद गुरु ने भक्त आंदोलन शुरू किया था। जब जमींदारों, सामंतों और रजवाड़ों को लगा कि भक्त आंदोलन दिन प्रतिदिन बड़ा होता जा रहा है, तो उन्होंने अंग्रेजों को इस बात की जानकारी दी। अंग्रेजों ने गोविंद गुरु को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन आदिवासियों के भयंकर विरोध के चलते अंग्रेजों ने गोविंद गुरु को रिहा कर दिया। इसका असर यह हुआ कि इन हुक्मरानों का जुल्म आदिवासियों पर और बढ़ गया। यहां तक कि उन पाठशालाओं को भी बंद करवाना शुरू कर दिया जहां आदिवासी बेगारी के विरोध की शिक्षा ले रहे थे। मांगे ठुकराए जाने, खासकर बंधुआ मजदूरी पर कुछ भी एक्शन न लेने की वजह से आदिवासी गुस्सा हो गए और घटना से 1 महीने पहले मानगढ़ की इस पहाड़ी पर इकट्ठा होना शुरू हो गए थे। ये लोग नारे के रूप में सामूहिक रूप से गाना गाते थे, ओ भुरेतिया नहीं मानू रे नहीं मानू। इस दौरान अंग्रेजों ने आखिरी चाल और चली। इसमें उन्होंने जुताई के बदले साल के 125 रुपए देने का वादा किया, जिसे आदिवासियों ने ठुकरा दिया। तब अंग्रेजों ने 15 नवंबर 1913 तक पहाड़ी को खाली करने का आदेश दे डाला। इन्हीं दिनों एक घटना और घटी। हुआ यूं कि गठरा और संतरामपुर गांव के लोग गुजरात के थानेदार गुल मोहम्मद के अत्याचारों से परेशान थे। उससे निपटने के लिए गोविंद गुरु के सबसे नजदीकी सहयोगी पुंजा धीरजी पारगी ने कुछ लोगों के साथ मिलकर उसकी हत्या कर दी। एक ही समय इन दो घटनाओं, पहाड़ी पर जमा होना और गुल मोहम्मद की हत्या, ने अंग्रेजों को बहाना मिल गया। 17 नवंबर 1913 को मेजर हैमिल्टन ने अपने 3 अधिकारियों और रजवाड़ों और उनकी सेनाओं के साथ मिलकर मानगढ़ पहाड़ी को चारों ओर से घेर लिया। उसके बाद जो हुआ वह दिखाता है कि शक्ति का होना संवेदना के लिए कितना हानिकारक है। खच्चरों के ऊपर बंदूकें लगा, उन्हें पहाड़ी के चक्कर लगवाए गए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग मरे। इस घटना में 1500 से भी ज्यादा लोग मारे गए और न जाने कितने ही घायल हुए। गोविंद गुरु को फिर से जेल में डाल दिया गया। हालांकि उनकी लोकप्रियता और जेल में अच्छे बर्ताव के कारण हैदराबाद जेल से उन्हें रिहा कर दिया गया। उनके सहयोगी पूंजा धीरजी को काले पानी की सजा मिली। इनके अलावा 900 अन्य लोगों की भी गिरफ्तारी हुई। हालांकि अब बात आती है कि इस हत्याकांड का इतिहास में बहुत कम उल्लेख क्यों है। इसकी वजह तब क्या रही होगी यह तो नहीं पता, लेकिन अब क्यों नहीं है इसका जिक्र होता है। इसकी वजह जरूर हम लोग हैं। हाल ही के दिनों में खुद को ही राष्ट्रभक्त का तमगा देने वाले और अपने किए गए काम को राष्ट्रभक्ति समझने वालों को तो कम से कम इन्हें याद ही रखना चाहिए, जिन्होंने सचमुच उस समय अपना बलिदान दिया था और काम किया था। टीपीवी न्यूज भी उस समय हुई उस घटना में मारे गए लोगों को नमन करता है, मानगढ़ पहाड़ी हत्याकांड को भी नमन करता है।